हेलो एवरीवन। और जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज़ दी फोर्स। हम लोग अपने बेसिक लेवल से फोर्स जो है उसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एज वी ऑल नो दैट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा है। यहाँ पे बेसिकली हम फोर्स को लेके बात करते हैं। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है, आप देख भी सकते हैं। वी कैन से दैट एनी पुल और अ पुश ऑन अ बॉडी इज नोन एज दी फोर्स। और इसके अलावा आप चाहें तो इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जैसे मैंने लिखा भी है, समथिंग विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड दी फोर्स। स्टेट ऑफ बॉडी का क्या मतलब है? आइदर द बॉडी या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये दो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में। अब जैसे हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले हम इसके यूनिट की बात करते हैं। एक फोर्स जो है उसका यूनिट जो है एसआई यूनिट जो रहता है, दैट इज द न्यूटन, और कैपिटल एन से हम उसको डिनोट करते हैं। ओके, और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशनल एनालिसिस जैसे हम करते हैं, तो दिस इज एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, टी -2 हम बोल सकते हैं उसको। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो न्यूटन है उसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज एफ इक्वल टू एम ए। वहां से हम बोल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के लिए कि एफ इक्वल टू एम ए मीन्स मास एम। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल फॉर मीटर के लिए हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में, और टाइम के लिए कैपिटल टी से। तो टी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, जब वो ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर उसमें -2 हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे एक फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें कुछ एंटिटीज की जरूरत पड़ती है। वो क्या क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैकेनिक्स का ये सिलेबस है, यहाँ पे मैकेनिक्स में वेक्टर एनालिसिस के बारे में कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, बट टाइम टू टाइम हम लोग कुछ वेक्टर्स के टर्म्स में भी जो है मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम वेक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो किसी भी फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें ये पांच चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन 1 और 2 टाइम्स से पहले पूछा भी गया है, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड नेचर ऑफ द फोर्स। क्या मतलब है इन सब का? जैसे हम सब लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है या वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है कि कोई फोर्स है उसे मुझे एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, कोई सपोज करो मुझे 50 किलो न्यूटन का कोई फोर्स दे रखा है, तो हम एक स्केल अज्यूम कर लेते हैं कि दैट 10 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करता हूँ एक एरो के लिए, ठीक है, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड। वहीं पे अगर वो वेक्टर जो है या कह सकते हैं फोर्स है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर हम उसका एरो हेड का डायरेक्शन ईस्ट बनाते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है कि दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जो फोर्स है उसमें एक स्मॉल एरो लगा के हम नॉर्मली जितने भी हमारे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें फोर्सेस को उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोर्सेस का साइन कन्वेंशन कैसे देते हैं उसके बारे में भी हम आगे की तरफ डिस्कशन करेंगे। साइन कन्वेंशन मीन्स एक तरीके से उसका डायरेक्शन जो है वो हम साइन कन्वेंशन से यहाँ पे बताएंगे। तो एक फोर्स है उसको हमने देखिए ब्लैक कलर से यहाँ पे शो कर रखा है मैंने, क्या वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जिस पॉइंट पर एक्ट करता है, सपोज करो पॉइंट ओ है एक हमारे पास, वहां से ये फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, तो इस एरो का जो लेंथ है वो हमें रिप्रेजेंट करता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ जिस पॉइंट पर वो लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसी तरीके से एरो हेड जिस डायरेक्शन में, वो हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, उस फोर्स का डायरेक्शन, और इस एरो को इसकी लेंथ के अलॉन्ग फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, तो दिस इज नोन एज दी लाइन ऑफ एक्शन। एंड लाइन ऑफ एक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मैकेनिक्स। हम आगे बात करेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये चीज जो है बहुत ही काम आएगी हमें। इसी के साथ साथ हमारे पास देखिए आउट ऑफ 5 4 एंटिटीज तो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। लास्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ फोर्स, जो कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स में ही कई बार जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं वो लैंग्वेज के टर्म में जब गिवन होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो वो कंफ्यूजन हम कैसे दूर करें, सपोज करिए, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स टेंसाइल है, कौन सा कंप्रेसिव है, कैसे हम उसको बनाएंगे, नेचर हम कैसे डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, वहां पे हमने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया इस ब्लॉक पे पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पर एक फोर्स का एरो हेड, मीन्स हम इस फोर्स को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इस ब्लॉक को आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पुश फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। ध्यान रखिएगा बहुत ही केयरफुली, अगर किसी फोर्स के एरो हेड को हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पुश फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स। वहीं पे अगर हम जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक ब्लॉक, उस पर एक पॉइंट है जहां पे हमने एक फोर्स रिप्रेजेंट किया कैपिटल एफ, और उस एरो का जो टेल है वो उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, यानी कि जहां पे जिस जो पॉइंट जो है जो ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहा है उसी पॉइंट पर उस फोर्स का टेल जो है वो हमारा एक्ट कर रहा है, या वहीं पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है टेल का। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, पुल फोर्स और टेंसाइल फोर्स। बहुत ही केयरफुली ये दोनों वर्ड्स, दोनों ही टाइप के फोर्सेस के लिए ध्यान रखिए, कहीं पे पुश फोर्स बोला जाएगा आपको, कहीं कंप्रेसिव बोला जाएगा, कहीं पे पुल फोर्स बोला जाएगा, तो कहीं पे टेंसाइल फोर्स बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो नेचर ऑफ द फोर्सेस के बारे में पता होना जरूरी है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।